तुम यहाँ? मैं क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है मैं यहाँ से शहर से कुछ चीजें लेने आया था। गाँव कब जाना है? गाँव कल जाऊंगा। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जरूर जरूर चलिएगा, आप नहीं जाएंगे तो और कौन जाएगा। अच्छा कसम भाई, मुझे देर होगी। और मैं सिंह, तू मुझे तेरे आने का पता ही नहीं चला। और पहला दस वेख के रहा सा, हां मैं उस हवेली को देख रहा। इस हवेली च कोई खास गल? कोई खास बात नहीं, बस उस हवेली को देखकर मुझे ख्याल आ रहा था कि इन बड़ी इमारतों में रहने वाले इंसानों की सोचें कितने मुख्तलिफ हो जाती हैं। ओ मैनू तेरी गल समझ नहीं आ रही। ओ कोई आसान गल कर, आसान। ये बड़ी इमारतों में रहने वाले लोगों की और झोंपड़ी में रहने वाले लोगों की सोचें इतनी मुख्तलिफ क्यों हो जाती हैं? और उस समय मैं नहीं दस सकता। मैं भी कितना पागल हूँ जो ये सारी बातें तुमसे पूछ रहा हूँ। ओ की मतलब आ? मेरा मतलब है कि अच्छा चल कोई और बात कर। ना भाई, इस वेले रोटी तो अलावा और कोई गल नहीं होनी। आ खाने की बात, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। और मैं तैनू लैन आया, और चल मेरे घर उठ। वैसे भी तू लिस्सा हो जा रही है, तन रोटी खवानी है, चल उठ। नहीं, इधर अस्तबल को कौन संभालेगा और चौधरी आरफ नाराज हो जाएगा। ओए अस्तबल दी फिक्र ना कर, अद्धे घंटे का गल। और वैसे भी तेरी भरजाई ने सरसों का साग तो मकई की रोटी पकाई। सरसों का साग ते मकई की रोटी, उसके लिए तो मैं चौधरी आरफ से नाराजगी मोल ले सकता। शेर लगा शेर। और वैसे भी शाम हो रही है, रोटी भी तैयार होएगी, चल चलिए चल। ਪਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਲਾਇਆ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਨ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਹੂ। ਓਏ ਆਇਆ ਸ਼ਾਵਾ ਜੀ? ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਓ ਚੱਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲਿਆ ਫਿਰ ਰੁਸਤਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਸ਼ਰਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚੱਲ ਸ਼ਾਵਾ ਖਾ। ਇਸ ਸਾਗ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਐਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦੇਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਿਆ ਪਲਾਇਆ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ रमेश सिंह कहता तो ठीक है। अच्छा हुन तुसी मेरे वीर नु खाना खान दोगे कि एवी गल्लां च लाए रखोगे? बता ला रखी बाली बीबी, उन्होंने समस्त बल में वापस आ गया। आरिफ कहाँ है?
चौधरी आरफ के बारे में पता चला है कि वो शहर गया हुआ है। बाली बीबी, मेरे ख्याल में इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें। और बड़े बीबी के पास ना गांव की औरतों का रश लगा हुआ है। मेरे ख्याल में चलते हैं। सोची ना, चलिए। जाते थे ना तुम, मैं तुमसे एक बार मिल लूं। मैं आ गई, अब तुम यहां से जाओ। चला जाओ, मगर मगर क्या? अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। कैसा सवाल? क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? नहीं करती। मिल गया तुम्हें तुम्हारा जवाब, अब तुम यहां से चले जाओ। मेरी तरफ देखकर कहो, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती? लो देख लिया, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अब तुम जाओ, चले जाओ यहां से। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुम्हारी आंखों में मोहब्बत नजर आ रही है। ये मोहब्बत नहीं, खौफ है। खौफ? किस बात का खौफ? यही कि तुम बेमौत मारे जाओगे। जब तुम मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती तो फिर तुम्हें मेरी जिंदगी की परवाह क्यों है? रुस्तम प्लीज, प्लीज यहां से चले जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है ये कितनी खतरनाक जगह है, ये लोग तुम्हें मार देंगे। मर तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन तुमने पहली बार नजर भर कर देखा था। बेशक ना मानो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, कम से कम इतना तो मान लो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। प्लीज रुस्तम, तुम चले जाओ यहां से। अब रखकर बोलो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अब कैसे कह दूं कि तुमसे मोहब्बत नहीं करती? करती, बहुत मोहब्बत करती, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा मोहब्बत करती। प्लीज रुस्तम, तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। अपनी जान को साथ लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। पागल मत बनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। जो तुम सोच रही हो वैसा भी कुछ नहीं होगा। मैं यहां पर अपने कदमों पर चलकर आया हूं और तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। वाली बीबी चले, बहुत देर हो गई। चले फिर कब आओगे?